आज हम मौजूद हैं रायपट में हम मौजूद हैं ग्रीन मोटर्स पे, और ये टोटली डील कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो आज हम मुलाकात करते हैं मोहम्मद वकास साहब से, मार्केटिंग मैनेजर है। तो आइए इनसे मालूम करते हैं इनके पास कौन कौन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक है जी। अच्छा सर, मुझे बताइए कि आपके पास इलेक्ट्रिक की रेंज में कौन कौन सी व्हीकल्स अवेलेबल हैं? जी हमारे पास ग्रीन मोटर पे आपको वेलकम है, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास मिनी कैब, हमारे पास AL3 मॉडल और AL1 मॉडल है। ये सारे के सारे मॉडल आपको शोअप हो रहे होंगे, और इस ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स है। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के अंदर आपको मिनी कैब, AL3, AL1 प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे। शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिक जो हमारे पर प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रिक मिनी कैब्स है, इसकी आपको फ्रंट से लुक दिखाते हैं। जी ये बिल्कुल टोटली इलेक्ट्रिक है, इसके अंदर बैटरी से इंस्टॉल है, इसके अंदर मोटर है, BLDC मोटर है, ब्रशलेस। और फ्रंट रिव्यू आप देख सकते हैं कि सबसे पहले फ्रंट इलेक्ट्रिक वाइपर है जो हमने इंस्टॉल किया, जैसे कार के ऊपर होता है। उसके बाद ये हेडलाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये हेडलाइट्स हैं, ठीक है, जो बहुत ही उम्दा किस्म की हमने हेडलाइट्स लगाई हुई है। इसके अंदर 4x50x12 के टायर यूज़ किए गए हैं मिनी कैब के अंदर। और ये स्क्रीन आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन जो है बिल्कुल टेम्पर्ड ग्लास और लेमिनेटेड स्क्रीन है, इसके टूटने से भी किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता, अगर बिल्कुल मजबूत बनी हुई है। पहली बात तो ये टूटेगी नहीं, और ये बहुत मजबूत बनी हुई है, आप देख सकते हैं इसको। आप आगे ले आएंगे जी, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 4 डोर इसके हैं, ठीक है, बहुत मजबूत किस्म के बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सारा इसका रिव्यू है। इंडोर सिस्टम के अंदर व्यू देख सकते हैं, नीचे आपको ब्रेक नज़र आ रही होगी, बड़ी मजबूत ब्रेक बनाई हुई है। लेफ्ट राइट इंडिकेटर है, ठीक है, हॉर्न इसके अंदर यूज़ किया हुआ है, ये डिजिटल मीटर इसके अंदर यूज़ किया हुआ हमने, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको स्पीड बैटरी इंडिकेटर नज़र आ रही होगी, और इसके आप ऊपर अगर देख सकते हैं तो ये सनरूफ के लिए हमने यूज़ किया हुआ है, हवादार के लिए, ताकि पैसेंजर के लिए बहुत ही अच्छी हवा यहाँ से गुजर सके। और इसके अलावा हम आपको इलेक्ट्रिक, ये जो हमारे पास पैसेंजर है, ये 6 सीटर पैसेंजर सीटें इसके अंदर लगाई गई हैं। पीछे 3 बंदे पीछे और 3 आगे, 4 बंदे आप पीछे बैठ सकते हैं। हाँ जी, ये पीछे वाला डोर अगर मैं ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये 3 बंदे यहाँ पे पीछे बैठ सकते हैं, और यहाँ पे 2 भी आगे बैठ सकते हैं, यानी कि 5। अच्छा, फोल्डिंग सीट। हाँ, ये फोल्डिंग सीट है, ये फोल्डिंग सीट है। और इसके अंदर हम ये इसका जो पीछे वाला मिरर है ये भी ओपन हो जाता है। जी जी, ये पीछे वाला मिरर भी ओपन हो सकता है, इसको भी हम ओपन कर सकते हैं यहाँ से, ताकि आपको हवादार जो पैसेंजर है उसके लिए कोई मसला ना बन सके। जी ठीक है, इसमें बैटरी कौन सी है? इसमें बैटरी हम लिथियम ड्राई बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, और लिथियम बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक रिक्शे के लिए, ठीक है, ठीक है। और बहुत ही कम इसका खर्चा है, और इसको हम अगर देखें तो पेट्रोल वाले रिक्शे के साथ इसका कंपैरिजन करें तो इसका 3 रुपये सिर्फ खर्चा आता है, और जो दूसरा पेट्रोल वाला रिक्शा उसका 23 रुपये खर्चा आता है। जी इसका हम बता सकते हैं आपको कि पैसेंजर कैबिन फोल्डिंग सीट से इसके अंदर 4 पैसेंजर इसके अंदर बैठ सकते हैं, और 2 आगे बैठ सकते हैं। बैटरी कस्टमाइज है, ड्राई बैटरी यूज़, लिथियम बैटरी यूज़ की जाती है, और 100 किलोमीटर इसकी रेंज है, ठीक है। अगर रेंज आपने बढ़ानी है तो लिथियम बैटरी यूज़ कर सकते हैं। बैक मजबूत चेसी बनी हुई है इसके अंदर, और ड्राई बैटरी यूज़ करते हैं जिसकी हम 6 मंथ की वारंटी देते हैं, और लिथियम अगर यूज़ करते हैं आप तो 2 साल की वारंटी देते हैं। इसके अंदर मोटर है, कंट्रोलर है, और चार्जर है, ठीक है, जिसके हम 1 साल की वारंटी देते हैं। कभी भी कोई मसला बन सकता है तो ये ग्रीन मोटर के प्रोडक्ट्स आपके लिए हाजिर है। ग्रीन मोटर के आपको प्रोडक्ट्स पूरी करके दे सकते हैं, कोई भी मसला बन जाए, कोई टूट फूट की चीज़ें, इसमें टूट फूट की कोई चीज़ें नहीं है, क्योंकि मंथली इसका कोई ख़र्चा नहीं है, क्योंकि जो
पेट्रोल वाला रिक्शा है, उसके अंदर मंथली आप ऑयल चेंजिंग करवाते हैं, उसके अंदर 100 चैन ग्रीडी का मसला बन जाता है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको कोई नुकसान पहुंच सके या मंथली आपका खर्चा आ सके। चार्जिंग पे मतलब 5 से 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, जैसे आम मोबाइल पे चार्ज इसका स्पेशल चार्जर हम साथ ही देते हैं, जो आप कहीं पे लगा के इसको घर में चार्ज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे 220 वाट पे घर में चार्ज कर सकते हैं इसको आप बिल्कुल जी। ठीक है, और अगर पे लेना चाहें तो इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस सर आजकल के दौर में जैसे डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है उसकी वजह से हम प्राइस नहीं बता सकते, लेकिन आपको नंबर इसका दे सकते हैं 0326-1132-296 आपको नंबर इसका है। बैटरी इसमें ऑप्शन है, आप ड्राई बैटरी यूज़ कर सकते हैं, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी है जो बहुत बेस्ट है और पूरी दुनिया में यूज़ की जाती है। लाइफ किसकी ज़्यादा होती है? लाइफ जो ज़्यादा हम जो आपको रिकमेंड करेंगे वो लिथियम फॉस्फेट है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, 2 साल की उसकी वारंटी हम आपको साथ दे रहे हैं, और अगर ड्राई करेंगे तो उसकी 6 मंथ की आपको वारंटी देंगे, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे तो वो लिथियम फॉस्फेट आयन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त बैटरी यूज़ कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर।